मोक्ष मार्ग से नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां जिन्यातारं विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। परमार्थ आप्त, परमार्थ आगम और परमार्थ तपोधनु को प्रणाम। दीक्षा शिक्षा गुरुआचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। अथाष्टमोध्याय, अब अष्टम अध्याय है। व्याख्यात आश्रव पदार्थ, आश्रव पदार्थ का व्याख्यान हो चुका है। तब ये आश्रव पदार्थ के व्याख्यान में आठों कर्मों का आश्रय छठे अध्याय में बताया जा चुका था। फिर सातवें अध्याय में अलग से व्रतों का वर्णन किया। यहाँ पर एक प्रश्न जरूर उठता है कि जब पूरे आठों कर्मों का आश्रय बता ही चुके थे तो फिर इसको अलग से क्यों बताया? तो इसका महत्वपूर्ण उत्तर आचार्य अकलंक देव ने तत्वार्थ वार्तिक ग्रंथ में दिया है। प्रश्न पहले समझ लो, प्रश्न क्या है कि आश्रव के बाद बंद का वर्णन होना था लेकिन सातवें अध्याय में व्रतों का वर्णन चालू कर दिया, क्या मतलब क्या निकला उसका? जब वर्णन पूरे पदार्थों का वर्णन चालू ही था, जीव पदार्थ का वर्णन चार अध्याय में पूर्ण हो गया, दूसरे अध्याय से प्रारंभ करके चौथे तक पूर्ण कर दिया, अजीव पदार्थ का वर्णन पाँचवें में पूर्ण किया, छठे में आश्रव का वर्णन हुआ, लेकिन फिर सातवें में उन्होंने व्रतों का वर्णन कर दिया, पूरे महाव्रत, अणुव्रत, संलेखना व्रत, फिर गुणव्रत, शिक्षा व्रत, सब अतिचार सहित सारा वर्णन कर दिया विस्तार के साथ और दान का तक वर्णन कर दिया। तो इसका क्या उद्देश्य था? तो इसका उत्तर यहाँ पर अपन देखते हैं। आश्रव पदार्थ व्याख्यान प्रति जिन्यायोक्त प्रति जिन्यायोक्तोष्टर शत भेद संख्यो बहु विचार है। आश्रव पदार्थ की व्याख्यान, आश्रव पदार्थ के व्याख्यान की प्रतिज्ञा करके 108 भेद और उसकी जो संख्या 108 थी उन सब का खूब विचार हो चुका, अधिकरण जीवा जीवा आदि सब प्रकार से सद्वेद। शास्त्रों में दो भेद होते हैं, पुण्य पाप लक्षण सांप्रायिक निमित्त तत्वत्, पुण्य और पाप ऐसे दो प्रकार के आश्रय होते हैं, पुण्याश्रव और पापाश्रव। अब उस सांप्रायिक निमित्त उसका कारण बनता है, और सांप्रायिक का मतलब अगर मंद कषाय है तो पुण्य का आश्रय होगा, तीव्र कषाय है तो पाप का आश्रय होगा, सीधा सा गणित है, तीव्र कषाय से पाप का आश्रय होता है, मंद कषाय से पुण्य का होता है। उस समय चेष्टाएं भी अलग अलग होती हैं, मंद कषाय के साथ अलग प्रवृत्ति करता है जीव और तीव्र कषाय के साथ अलग प्रवृत्ति करता है। तत्र पुण्याश्रव व्याख्येय, अब वो तो सामान्य आश्रव आपने बता दिया, अब ये पुण्याश्रव जो है जिसको अपन सातिशय पुण्य भी कह सकते हैं उसका अलग से व्याख्यान करना आवश्यक था। क्यों? प्रधानत्वात् पुण्याश्रव ही मोक्ष मार्ग में प्रधान है। क्यों पुण्याश्रव प्रधान? क्यों? यहाँ तो पुण्य पाप दोनों से छुटकारा मिलेगा तब मुक्ति होगी, तो फिर यहाँ पुण्याश्रव को प्रधान क्यों कह रहे हैं मोक्ष मार्ग में? तो आचार्य उत्तर देते हैं, तत्पूर्वकत्वान् मोक्षस्य
बहुत अद्भुत उत्तर है, वही मोक्ष का कारण है। अगर पुण्य का सहयोग न हो तो इस जगत में, इस संसार में किसी की ताकत नहीं है कि वो मुनि दीक्षा ले, शुक्ल ध्यान करे, कर्मों का क्षय करके मोक्ष प्राप्त करे। पुण्य का अगर सहयोग न हो तो, अब वो कौन सा पुण्य है? एक तो कर्म भूमि में जन्म होना आवश्यक है, फिर कर्म भूमि में भी यहाँ आर्यखंड में, और आर्यखंड में गौण रूप से म्लेच्छखंड की भी बात आती है, क्योंकि कुछ राजा चक्रवर्ती के साथ आते हैं यहाँ पर, वो भी दीक्षा लेते हैं म्लेच्छखंड से, जब वो छठखंड को जीतता है ना तब। तो ऐसे पवित्र क्षेत्र में जन्म लेने के लिए पुण्य आवश्यक है, उसके बिना नहीं होता। फिर पुरुष का शरीर होना अनिवार्य है, क्योंकि दिगंबर आमनाय में योगी ही मोक्ष जाते हैं, आवरण वाले नहीं। और भोगी तो बहुत दूर की बात हो गई। फिर अंदर जो अस्थि बंधन है वो भी क्षपक श्रेणी के योग्य होना आवश्यक है। मोक्ष जाने के लिए आपको 63 प्रकृतियों का पहले नाश करना होगा, फिर 85 प्रकृतियों का अलग से नाश होगा, और इस प्रकार 63 और 85 148 प्रकृतियों का नाश करके मोक्ष प्राप्त होता है। तो उसके लिए एक ही संगनन होता है, वज्र वृषभ नारज, और वो कर्म भूमि में केवल पुरुष के पास होता है। इसलिए ये आग्रह नहीं है कि पुरुष ही मोक्ष जाए, आग्रह ये है कि वज्र वृषभ नारज संगनन वाला हो तो मोक्ष जाए। और योगी होना तो अनिवार्य ही है, पहले बतला चुके हैं। तो ये सब जो है, ये सामग्री कहाँ से आएगी बिना पुण्य के? पुण्य से ही ये सामग्री प्राप्त होती है, द्रव्य, क्षेत्र, फिर काल। आप गलत काल में अगर पैदा हो जाओ, यहाँ भरत क्षेत्र या ऐरावत क्षेत्र में, जैसे अभी इस काल में अपन पैदा हो गए, तो ये काल मोक्ष का काल नहीं है। तो इस ये अकाल है मोक्ष का, लेकिन मोक्ष मार्ग का काल है, ये अपना सौभाग्य है। मोक्ष का काल नहीं है, ये दुर्भाग्य है, पर मोक्ष मार्ग आज भी है, ये सौभाग्य है। और सौभाग्य उनका है जो मोक्ष मार्गी है, जो नहीं है उनको देखने मिल रहे हैं मोक्ष मार्गी, ये उतना सौभाग्य उनका। जो मोक्ष मार्गी स्वयं नहीं है उनको वो देखने मिल रहे हैं, वो सौभाग्य। यहाँ संयम रूप मोक्ष मार्ग की बात चल रही है। फिर भाव, भाव जो है मोक्ष जाने वाला भाव, वो शुक्ल ध्यान है। शुक्ल ध्यान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, और उसके पूर्व का धर्म ध्यान भी अनिवार्य है। उस धर्म ध्यान के बिना शुक्ल ध्यान में प्रवेश नहीं हो सकता। भरत चक्रवर्ती जब क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ हुए, अपन ऐसे एक अपेक्षा से देखें तो उनने केशलोंच किया और कायोत्सर में लीन हुए, तुरंत केवल ज्ञान हो गया एक अपेक्षा से। लेकिन वो जो काल था, उतना जो अपनी समझ में नहीं आ रहा है कि कितना काल था, उतने अंतर मुहूर्त काल में उनने हजारों बार छठे सातवें गुण स्थान पर आरोहण किया, क्योंकि श्रेणी पर जाने से पहले हजारों बार छठा सातवां ये अनिवार्य है, तब जाकर के वो ऊपर श्रेणी पर आरूढ़ होते हैं, और फिर ऊपर 8वें 9वें 10वें और फिर 12वें में पहुँचते हैं। 11वें में नहीं जाते मोक्ष जाने वाले, और 12वें 13वें 12वें में जाकर के फिर सब चारों घातिया कर्मों का नाश हो जाता है। 13वें में पहुँचते केवली भगवान हो जाते हैं, 14वें गुणस्थान के अंतिम दो समयों में। दूसरे समय में 72 कर्मों का नाश करते हैं, और वो जो आखिरी समय है उसमें 13 कर्मों का नाश करते हैं। तो 72 और 13 85 प्रकृतियाँ होती है,
इन सब का नाश करके निर्वाण को प्राप्त करते हैं, सिद्ध बन जाते हैं। वो अलग विषय है, अभी जो चर्चा चल रही है इसमें से अपन नहीं, जो आचार्य जो धारा में चल रहे हैं उसको अपन पहले अपन उसमें अवगाहन कर लेते हैं, फिर अपने प्रश्नों के उत्तर अपन कालांतर में भी प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तिगत प्रश्नों के उत्तर, विषय से संबंधित प्रश्न हो तो अभी भी अपन ले सकते हैं, और व्यक्तिगत प्रश्न हो तो कालांतर में ले सकते हैं। यह दिवम, यदि ऐसी बात है, देखो ये बात नयों के आग्रह ही नहीं समझ सकते, जिन्होंने ये आग्रह पकड़ लिया नहीं पुण्य पाप दोनों है और फिर ऐसा फलाना ढिकाना, हमें तो शुद्ध भाव ही चाहिए, तो शुद्ध भाई भाव कोई प्रसाद के रूप में नहीं बट रहा है कि आप चाहोगे और मिल जाएगा, उसकी भूमिका भी आवश्यक है, उसकी प्रक्रिया भी आवश्यक है, और सब कुछ जो आगम में कहा है उसी प्रक्रिया से सब कुछ होता है। ठीक है, जिसको जैसा मानना है वो स्वतंत्र है, पर यहाँ तो साफ लिखा हुआ है, आचार्य अकलंक देव ने लिखा है कि प्रधानत्वात् पुण्य प्रधान है मोक्ष मार्ग में, और तत्पूर्वकत्वान मोक्षस, वो मोक्ष का कारण है। तो किस अपेक्षा से कारण है, वो नयों को जानने वालों के लिए कोई कठिन बात नहीं है, बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है, कि पूरे सहयोग सब साधन सामग्री पुण्य से जुट जाती है, फिर अंतिम पुरुषार्थ जीव को करना पड़ता है, वहाँ फिर पुण्य के भरोसे बैठने से मोक्ष नहीं मिलता है। ये भी स्पष्ट है कि आप पुण्य ने आपको वहाँ तक पहुँचा दिया, अब आपको ध्यान करना पड़ेगा, करना होगा, आप ध्यान नहीं करोगे तो फिर काम नहीं हो सकता। द्रव्य क्षेत्र और काल पुण्य ने दे दिया, अब भाव कौन देगा, आत्मा। तो अपनी आत्मा जब पुरुषार्थ करके उस भाव को प्राप्त करती है शुक्ल ध्यान का, तब फिर काम हो जाता है, वो कभी नहीं कट सकते कर्म, द्रव्य क्षेत्र काल के मिल जाने पर भी नहीं कट सकते अगर भाव ना हो तो। बहुत उत्कृष्ट साधु होते हैं लोग, शुक्ल ध्यान को छूने वाले क्षपक श्रेणी में अष्टम गुणस्थान के प्रथम समय में जो प्रवेश कर चुके हैं वो असाधारण साधु है, क्योंकि अनादिकाल से जो काम नहीं किया वो अब संपन्न हो रहा है। क्षपक श्रेणी के आठवें गुणस्थान का जो प्रथम समय है वो एक ही बार प्राप्त होता है, उसके बाद तो केवल ज्ञान और मोक्ष ही होता है, वहाँ से वापस लौटना होता नहीं। तो इसलिए ये समाधान था कि सप्तम अध्याय में जिस पुण्य का वर्णन किया वो पुण्य कौन सा पुण्य है, छठे में तो बता ही चुके थे, तीर्थंकर प्रकृति तक के बता दी थी छठे में, फिर यहाँ पर बोलते हैं कि नहीं, व्रताचरण में जो भी प्रवृत्ति आत्मक क्रिया होती है वो पुण्य का कारण होती है, और जो निवृत्ति रूप होती है जो त्यागात्मक होती है वो संवर निर्जरा में कारण होती है। माने दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, आपने जो असत्य का त्याग किया है वो संवर निर्जरा का कारण है, और आप जो सत्य बोल रहे हैं वो पुण्य का कारण है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, सावधानी से सुनिएगा। मतलब जिसका अभाव हुआ है, जिसका त्याग किया है, उससे संवर निर्जरा हो रही है, और जिस रूप आप प्रवृत्ति कर रहे हैं तो वो प्रवृत्ति मंद कषाय के साथ कर रहे हैं, इसलिए वो शुभोपयोग आत्मक है, और उससे पुण्य का आश्रय होता है। और सम्यक दृष्टि जीव है, निष्काम भाव से कर रहा है, कोई सांसारिक कामना नहीं है उसको, तो फिर सातिशय पुण्य हो जाता है, साधारण पुण्य नहीं होता, सातिशय पुण्य होता है। और सातिशय पुण्य जब फल देता है तो फल काल में जिसको फल प्राप्त हो रहा है वो फंसता नहीं है,
और निदान से जो पुण्य फल प्राप्त होता है उसमें वो फंस जाता है, उस छोड़ नहीं पाता फिर उसको। इसलिए निदान से जिन्होंने चक्रवर्ती पद प्राप्त किया, अर्ध चक्रवर्ती पद प्राप्त किया, वो सब अधोगामी हो गए, कोई भी ऊर्ध्वगामी नहीं हुआ, अधोगामी हो गए। और जिन्होंने निष्काम भाव से सातिशय पुण्य को प्राप्त किया, ऐसे तीर्थंकर, ऐसे चक्रवर्ती, ऐसे बलभद्र आदि निर्वाण को प्राप्त हो गए या फिर सदगति में चले गए। दो चक्रवर्ती देवलोक में गए हैं, एक बलभद्र देवलोक में गए हुए हैं। तो इस तरह ये व्यवस्था है। तो ये महत्व की बात थी, ऐसा हमें लगता है। क्योंकि इतना बड़ा सातवां अध्याय लिखना कोई हंसी खेल नहीं था। पूरा सातवां अध्याय उन्होंने मोक्ष के कारणभूत पुण्य को बताने के लिए लिखा है, ये ध्यान में रखना। सामान्य पुण्य की बात नहीं चल रही है, मोक्ष में सहायक जो पुण्य है उसके लिए सातवां अध्याय पूरा। और फिर ये पुण्य आ गया तो वो पुण्य भी एक पदार्थ है। तो सातवें अध्याय में जो पुण्य का वर्णन है उससे आप अपने आप समझ लो कि इससे जो भी विपरीत क्रिया है वो पाप है। यदि सातवें अध्याय की चर्या पुण्य रूप है तो सातवें अध्याय से विरुद्ध चर्या पाप रूप है। तो पुण्य और पाप पदार्थ का वर्णन यहाँ पर पूर्ण होता है। अब बंध पदार्थ का वर्णन आठवें अध्याय से प्रारंभ करते हैं। तो कुल मिलाकर तत्वार्थ सूत्र में नौ पदार्थों का वर्णन है। अभी अपन सोचते हैं कि सात तत्वों का वर्णन है, ये भूल है, इसमें संशोधन हो सकता है। नौ पदार्थों का वर्णन। अथाष्टमोध्याय व्याख्यात आश्रव पदार्थस्य, आश्रव पदार्थ का व्याख्यान पूर्ण हो चुका है। तदनंतर उद्देश्य भाग बंद पदार्थ इदानीं व्याख्येयस्, उसके पश्चात कथन करने योग्य जो बंद पदार्थ है वह इस समय व्याख्येय है, व्याख्या का विषय है। तस्मिन् व्याख्येय सति, अब उसका वो व्याख्याय होने, उसके व्याख्याय व्याख्याय होने पर पूर्वम बंद हेतु पर न्यास क्रियते। सबसे पहले तो हमें कारण बताना होगा कि बंद के कारण कौन है, कौन से कारण हैं जिनसे बंद होता है। तत्पूर्वकत्वात् बंधस्य इति, क्योंकि कारण होगा तब कार्य होगा ना, बिना कारण के कोई कार्य थोड़ी होता है। दीपक होता है तो प्रकाश होता है, इसी प्रकार बंद के कारण होंगे तो बंद होगा। तो बंद के कारण सबसे पहले बतलाते हैं। ये जो कारण यहाँ बतलाए गए हैं वो द्रव्य संग्रह, जो आचार्य नेमीचंद्र सिद्धांती देव ने जो द्रव्य संग्रह लिखा है, जीवम अजीवम दव्यम एक गाता है ना मंगलाचरण में, उसमें ये पांच प्रत्यय मिलते हैं बंद के, और तत्वार्थ सूत्र की परंपरा में मिलते हैं। बाकी घुमटसार जीवकांड, कुंदकुंद आचार्य का वांग्मय, पंच संग्रह आदि, मूलाचार आदि समस्त ग्रंथों में चार बंद के प्रत्यय मिलते हैं, पांच नहीं, पांच तत्वार्थ परंपरा में और द्रव्य संग्रह में मिलते हैं, अन्य कहीं नहीं। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंद हेतव, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये पांच बंद के कारण हैं, बंद के हेतु हैं। इन पांच का विस्तार आपको विभिन्न ग्रंथों में प्राप्त हो सकता है, सर्वार्थ सिद्धि में भी दिया है विस्तार। पर अब एक मिथ्या दर्शन तो अपन जानते ही हैं, विपरीत श्रद्धान रूप होता है, दो प्रकार का होता है, एक नैसर्गिक होता है और दूसरा प्रशिक्षित या दूसरा परोपदेश पूर्वक होता है, अपने आप चला आ रहा है अनादिकाल से, वो एक मिथ्या दर्शन है। और दूसरा किसी की संगति में पढ़ करके मिथ्या दृष्टि बन गया, गृहित मिथ्यात्व,
फिर और भी बहुत प्रकार के भेद, ये 363 भेद है मिथ्यात्व के। असिधि सदम किरियाणम अकिरियाणम च हुई चल सीधि सत्तच्छन्नाणीनम वेणुयाणंत 32। ये 363 की गिनती ऐसी है कि 180 प्रकार के मिथ्यात्व क्रियावादियों के हैं, क्रियाओं को लेकर के वो कुछ विपरीत धारणा बनाकर चलते, वो चाहे जैन हो अजैन हो कोई भी हो, क्रियाओं से संबंधित विपरीत मान्यता है वो 180 है। फिर अक्रियाणंच हुई चौड़ सीधी, फिर जो अक्रियावादी हैं क्रिया को अमान्य करते हैं, कोई आवश्यकता नहीं करे, ज्ञान से ही मोक्ष होता, तो जो अक्रियावादी हैं उनके 40 भेद हैं, नहीं चल सीधी 84 भेद हैं, 84। फिर सत्तच्छन्नन्ना और अज्ञानियों के 76 कितने कहलाएंगे ये, उसमें अनुवाद में कुछ लिखा होगा, सत्तच्छन मतलब 67 लिखी है संख्या, अज्ञानियों की 67, कोई ज्ञान ज्ञान के विरोध करते हैं, कोई ज्ञान से मोक्ष नहीं होता, क्रिया से मोक्ष होता, श्रद्धा से मोक्ष होता, बड़े बड़े ज्ञानी डूब जाते हैं संसार में, वो ज्ञान के विरोध में रहते हैं, तो उसके उसके 67 भेद है अज्ञानियों में। फिर विनय ज्ञानम तो 32 है, और विनय करने वाले बोलते हैं कि इसकी विनय करो, उसकी विनय करो, उसकी विनय करो, तो विनय विनय की बात करने वालों के भी 32 भेद हैं, ऐसे 363 भेद मिथ्यात्व। फिर अविरति 12 प्रकार की होती है, षटकायिक जीव संबंधी अविरति और 5 इंद्रिय और मन संबंधी अविरति, 12 अविरति होती है। कषाय 16 होती है, 9 कषाय 9 होती है, 25 गिनती हो जाती है। फिर योग जो है 4 है, नहीं मनोयोग 4 है, वचन योग 4 है, काय योग ऐसे 5 दिए हैं, वैसे 7 होते हैं। ऐसे 15 भेद हो जाते हैं योग के, मन मिथ्यात्व योग 15 द्वादश अविरत जानू, पंचरु 20 कषाय मिले सब 57 मानु। योग है वहां भी प्रमाद नहीं लिया उन्होंने, मन मिथ्यात्व योग 15 द्वादश अविरत जानू, पंचरु 20 कषाय मिले सब 57 मानु, ये प्रमाद को छोड़कर ये 57 अस्त्र होते हैं। प्रमाद केवल तत्वार्थ परंपरा में है और द्रव्य संग्रह में, और कहीं किसी ग्रंथ में हो तो हो सकती है, पर अभी प्रधान रूप से इनमें मिलती है ये। आहार का योग ठीक है, प्रमाद अनेक विध है, प्रमाद अनेक प्रकार का होता है, शुद्ध अष्टकोत्तम क्षमा विषय भेदात, 8 शुद्धि के विषय में अगर लापरवाही होती है तो फिर अपन ने पढ़ी थी ना, 8 शुद्धि में भिक्षा शुद्धि भी आई थी, एक बार अपन ने जब आचौर्य व्रत के
अंतर्गत भिक्षा शुद्धि नाम की भावना पढ़ रहे थे, तब अपन ने अलग से 8 शुद्धियों को पढ़ा था तत्वार्थ वार्तिक से। फिर उत्तम क्षमा अधिक में भी प्रमाद हो जाता है कि क्षमा करना होता है किसी को, लेकिन सोचते हैं कि अरे कैसे क्षमा कर दें इतने जल्दी, क्षमा करने के भाव नहीं होते जल्दी से, तो उसको भी प्रमाद की श्रेणी में रखा है, क्योंकि प्रमाद में क्रोधमान माया लोग आते हैं। मिथ्या दृष्टि ये देखो ये लिखा एते बंध हेतव पंच समस्ता व्यस्ताश्च भवन्ति। ये एक साथ पांचों हो सकते हैं, कहीं पर 4 भी हो सकते हैं, कहीं 3 भी हो सकते हैं, कहीं 2 भी हो सकते हैं, और कहीं 1 भी होता है बंध का कारण। तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है तो बताते हैं। मिथ्या दृष्टि पंचापी समुदिता बंध हेतव भवन्ति। मिथ्या दृष्टि के पास ये पाँचों के पाँचों समूह रूप से बंध के हेतु होते हैं। सासाधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि संयत सम्यक दृष्टि नाम। फिर दूसरे तीसरे और चौथे गुणस्थान वालों के लिए अविरतादय चत्वार है, अविरति प्रमाद कषाय और योग्य 4 बंध के कारण मिथ्यात्व है नहीं उनको। फिर संहिता संयत अविरतिर विरति मिश्रा प्रमाद कषाय योगाश्च। फिर संहिता संयत के लिए अलग से बता रहे, देखिए ध्यान से देखें इस विषय को कि अलग से कह रहे हैं संहिता संयत के विरति से मिश्रित अविरति है, शुद्ध अविरति नहीं है, विरति से मिश्रित अविरति है। और फिर प्रमाद कषाय योग तो है ही, प्रमत्त संयत से प्रमाद कषाय योग, प्रमत्त संयत को प्रमाद कषाय और योग, ये 3 बंध प्रत्यय है। अप्रमत्तादि नाम चतुर्णाम योग कषाय योग। अप्रमत्तादि 4 गुणस्थान कौन से हैं? 7, 8, 9, 10 ये 4 गुणस्थान है, उनके पास योग और कषाय है, बस ये 2 बंध के कारण है। उपशांत कषाय क्षीण कषाय सयोग केवल नाम एक एव योग। 11, 12 और 13 गुणस्थान जिनको प्राप्त हुए हैं उनका बंध प्रत्यय एक योग है, मात्र योग से उनको 7 का बंध होता है। अयोग केवल इनो न बंध हेतु, अयोग केवली 14 गुणस्थान है, वहाँ पर मन वचन काय के योग भी समाप्त हो जाते हैं, तो वो बंध के हेतु से रहित हैं। अब बंध क्या है ये बताते हैं। सकषायत्वाच जीव कर्मणो योग्यान पुद्गलानादत्ते सबंध। कषाय सहित होने के कारण जीव कर्म के योग्य पुद्गलों को आदत्ते स्वीकार कर लेता है, सबंध उसका नाम बंध है। यानी जीव अपने एक एक प्रदेश में उन कर्म परमाणुओं को अंगीकार कर लेता है, बांध लेता है, उसका नाम बंध है। कैसे? तो बोलते हैं कि सकषायत्वात् कषाय सहित होने के कारण, और कषाय सहित क्यों हुआ तो कर्मणों जो शब्द आया है उसके 2 अर्थ किए हैं। एक षष्ठी में कर्मणो योग्यान पुद्गलान, कर्म के योग्य पुद्गल यानी वो कर्मण वर्गणा, और दूसरा अर्थ ये किया है कि कर्मणो सकषायत्व कर्मण सकषायत्व, कर्म के कारण वो सकषाय होता है। कोई भी जीव बिना कर्मोदय के कषाय नहीं कर सकता, उसके कषायों का उदय आएगा तब वो कषाय सहित होगा। तो ऐसे 2 अर्थ किए, और योग्य पुद्गलों को स्वीकार कर लेता है उसका नाम बंध है। अब वो छूट नहीं सकते वो पुद्गल, कम से कम 1 आवली तक तो प्रत्येक कर्म आत्मा के साथ बंधे ही रहते हैं, उसके बाद फिर उसके परमाणु निर्जीर्ण हो सकते हैं। फिर इसके कितने भेद हैं बंध के। प्रकृति स्थित अनुभव प्रदेशास्तद्विधय, प्रकृति स्थिति अनुभव और प्रदेश, अनुभव को अनुभाग भी कहते हैं और प्रदेश, ये तद्विधय उस बंध के विधि माने भेद हैं, प्रकार हैं। विधि का अर्थ प्रकार भी होता है, 4 प्रकार हैं। प्रकृति का मतलब वो कर्म किस श्रेणी में है, उसकी प्रकृति क्या है। जैसे ज्ञानावरण की प्रकृति क्या है, ज्ञान पर आवरण डालना, तो ज्ञानावरण कर्म तकलीफ नहीं देगा आपको,
तकलीफ देने का काम वेदनीय का है। तो वो उसकी प्रकृति वो है और इसकी प्रकृति ये है, ये प्रकृति बंध है। फिर स्थिति का अर्थ होता है कि वो कब तक आत्मा में स्थित रहेंगे, यानी कब तक आत्मा में ये कर्म बंधे हुए टिके रहेंगे। तो वो जो कालावधि है उसको स्थिति कहते हैं, एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट तक के जितना काल है वो स्थिति है। दवाइयों की बॉटल पे लिखा रहता है ना कि नवंबर 2023 के बाद इसका इस्तेमाल ना करें, उसमें लिखा रहता है एक्सपायरी डेट नवंबर 2023। तो बस वो 2023 हुई और फिर नवंबर को आप उसको अलग कर दो, वो आप काम की नहीं है, या उसके पहले पूरा खलास कर दो, फिनिश कर दो। ज़रूरत ना हो तो फिनिश मत करना। स्थिति। फिर अनुभव का अर्थ होता है कि जब उसका उदय आता है तब जीव को तीव्र और मंद, मीठा और कड़वा जो अनुभव होता है वो उस कर्म की शक्ति से होता है। कर्म के अंदर उतनी कड़वाहट और उतनी मिठास हो सकती है कि वो जीव को रुला भी सकता है, हंसा भी सकता है। तो वो अनुभाग बंद है, अनुभव बंद है। फिर प्रदेश बंद का अर्थ होता है कितने परमाणु हैं। कभी कभी अधिक मात्रा में परमाणु आते हैं, कभी कम आते हैं। तो वो परमाणुओं का कितना, कितनी मात्रा, क्वांटिटी प्रदेश बंद है। जोगा पेड़ी पदेसा ठिदि अनुभागा कसाय दो गुण दे अपरिण दो छिन्नी सुय बंद ठिद कारण नथी। योग से प्रकृति और प्रदेश बंद होते हैं, स्थिति अनुभाग बंद कषाय से होते हैं। अब होते हैं नहीं लिखा है, यहाँ पर कुणदि लिखा है। यह जीव योग के कारण प्रकृति और प्रदेश बंद बांधता है और कषाय से स्थिति और अनुभाग बंद बांधता है। और जो अपरिणत है और उच्छिन्न है, अपरिणत का अर्थ कषाय तो है पर उदय में नहीं है। उदय में न होने से जीव के परिणाम कषाय रहित है, जैसे 11वें गुणस्थान में। और उच्छिन्न का अर्थ होता है कि वो कषाय जड़ से ही नष्ट हो गई है। तो इनको बंधक ठिदि कारण न थे, जो बंद हो रहा है उसमें स्थिति बंद नहीं हो सकता, स्थिति बंद इनको नहीं पड़ता। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि अभी तो पहले ही सूत्र में कहा था कि बंध के 5 प्रत्यय हैं, यहाँ तो 2 ही प्रत्ययों में निपटा रहे हैं गाथा में। देखा आपने, ध्यान दिया, यहाँ पर सिर्फ योग और कषाय की बात चल रही है। योग से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है और कषाय से स्थिति और अनुभाग बंद होता है। तो फिर ये 4 प्रकार के तो बंध ही हैं, तो फिर बाकी कोई बंध के कारण है ही नहीं। मिथ्या दर्शन, अविरति और कषाय, अविरति और प्रमाद, इनसे बंद नहीं होता, ये अर्थ निकालोगे? या फिर इनकी उपस्थिति में बंद होता है, बंद करने वाले तो ये 2 ही हैं, ऐसा मानोगे? ऐसा मानने से उनको हेतु नहीं कह सकते? जैसे आपकी उपस्थिति में एक बच्चे ने किसी को गिरा दिया, वो घायल हो गया, तो आप उसको जो चोट लगी उसके हेतु आप कहलाओगे क्या? सवाल ही नहीं उठता। हेतु का अर्थ होता है जो उस घटना में सम्मिलित हो, जो कारण बना हो, जिसने धक्का मारकर उसके पैर तोड़े हैं वो हेतु है। इसी प्रकार यहाँ पर जो 5 हेतु बताए हैं उनको आचार्यों ने हेतु कहा है, अपन उसमें से कम नहीं कर सकते। तो फिर अब कैसे समझा जाए इसको, कैसे क्लियर हो कि किसके क्या हेतु हैं? तो इसके लिए थोड़ा सा अपने को अन्य आचार्यों की शरण में जाना होगा। एक तो पंचास्तिकाय ग्रंथ में आचार्य जयसेन स्वामी की शरण में जाना होगा, और एक मूलाचार ग्रंथ में आचार्य वट्टकेर स्वामी और टीकाकार आचार्य वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती की शरण में जाना होगा। तो वहाँ पर उन्होंने लिखा
मूलाचार जी की गाथा निकाले। योग से योग के निमित्त से कारमण वर्गणा कर्म रूप से ग्रहण हो जाती है। यानी बड़ी एक अद्भुत प्रक्रिया है कि वो पूरे परमाणु सब जगह छाए हुए हैं और अपने अंदर जो कर्म बंधे हुए हैं उन कर्मों के साथ भी वो चिपके हुए कार्मण वर्गणा के और परमाणु बहुत सारे अंत अनंत परमाणु हैं। तो उन परमाणुओं में होता क्या है, वो जो ऐसे ही चिपके हुए हैं ऊपर से उनसे कुछ नहीं होता, लेकिन जो आत्मा के साथ कर्म रूप बंधन को प्राप्त हुए हैं उनसे सब कुछ होता है। तो ये कह रहे हैं कि वो जो ऐसे ही यहाँ पर अवस्थित है जो परमाणु, अपन कहीं बाहर घूमने निकलते हैं तो बहुत सारी धूल चिपक जाती है कपड़ों में, फिर झड़ा दो तो झड़ जाती है, लेकिन कपड़े में जहाँ पर आपने बाम पोछा रहता है ऐसे उंगली वहाँ पर तुझे धूल लगती है, वो आप झड़ाओ तो भी अलग नहीं होती। तो बस ये एक उदाहरण था। इसी प्रकार राग द्वेष पूर्वक जो जिन परमाणुओं को जीव ने कर्म रूप में स्वीकार कर लिया द्रव्य कर्म के रूप में, वो बंधन को प्राप्त रहते हैं जीव के साथ जब तक उसकी अवधि है। असमय में भी उनकी निर्जरा हो सकती है, उसकी एक अलग विधि है, पर ऐसे बंधे रहते हैं। तो योग निमित्तम गहनम, जो अपन मन वचन काय का जो योग होता है, योग का अर्थ आपको स्मरण होगा कि जो प्रवृत्ति अलग है और उस प्रवृत्ति को प्रेरित करने वाली जो अंतरंग आत्मा की परिणति है उसको योग कहा है। प्रवृत्ति तीनों एक साथ होती है, देखो वचन मन और काय तीनों एक साथ, देखो हाथ भी हिल रहे हैं हमारे, वचन भी बोल रहे हैं, सोचते भी जा रहे हैं, क्योंकि एक के बाद दूसरा वचन बिना सोचे नहीं बोल सकते। तो ये मन वचन काय के योग नहीं है, ये मन वचन काय की प्रवृत्ति है और इनको प्रेरित करने वाली जो शक्ति है वो योग है। तो वो योग है, उसके निमित्त से आश्रय होता है। एक समय में एक समय प्रबद्ध प्रमाण परमाणुओं का पुंज आता है, वो कितना रहता है, एक समय प्रबद्ध का परिमाण कितना है, कितना माप है उसका, एक समय प्रबद्ध। जैसे अपन चावल ले लो और दाल ले लो, तो एक किलो में कितने दाने होंगे आप निकाल सकते हैं, गिन करके बैठे बैठे फुर्सत में आप निकाल सकते हैं। वैसे यहाँ पर क्या है कि एक समय में ये जो आश्रय हो रहा है परमाणुओं का, उनकी राशि कितनी है, कम ज़्यादा तो होती है, प्रदेश बंध में कम ज़्यादा राशि हो सकती है, योग के ऊपर निर्भर करता है। तो उनकी एक स्टैंडर्ड राशि, एक ऑप्टिमल राशि, एक औसत राशि कितनी है, तो आचार्य कहते हैं सिद्धान अंतिम भागो अभव राशि दुनंत गुणों, जितने सिद्ध हैं उनका अनंतवा भाग, अनंत के अनंत भेद हैं, तो जितने सिद्ध हैं उनका अनंतवा भाग और जितने अभव्य हैं उनसे अनंत गुणित। वो जो बीच वाला अनंत आएगा, सिद्ध भी अनंत है अभव्य भी अनंत है, तो अभव्य जितने अनंत हैं उनसे अनंत को गुणित करो और सिद्ध जितने अनंत हैं उनसे अनंत को भाजित करो, तो जो राशि आएगी वो एक समय प्रबद्ध प्रमाण है। तो इसको आश्रव कहते हैं,
कारमण वर्गणा का कर्म रूप से परिवर्तित हो जाना आश्रव है। और आश्रव के साथ साथ एक दूसरी घटना और होती है कि जैसे ही वो कर्म बनते हैं वैसे ही आत्मा के प्रदेशों के साथ एक मेक हो जाते, दूध और पानी के समान घुल मिल जाते। तो वो जो घुल मिल जाने की प्रक्रिया है वो बंद है। आश्रव कारमण वर्गणा कर्म बन गई, बंद कर्म आत्मा के साथ घुल मिल गया, उसका नाम बंद है। और वो जो आत्मा के साथ घुल मिल जाने वाली प्रक्रिया है, कारमण वर्गणा का कर्म रूप होना तो योग के निमित्त से होता है, आश्रय हो रहा है। जोगा पैडी पदेशा, प्रकृति बंद और प्रदेश बंद दोनों उसमें आ गए। लेकिन भाव निमित्त तो बंद हो, भाव निमित्त जो बंद होता है कौन सा अनुभाग बंद होता है? स्थिति अनुभाग रूप बंद होता है, स्थिति और अनुभाग बंद होता है। वो कैसे होता है, मिल गई गाथा मूलाचार? भावो हृदय राग दोष मोह जुदो। भाव क्या है? रति, इनों कषाय को लिया उन्होंने, राग द्वेष और मोह, यानी भाव के अंतर्गत नौकषाय भी आएगी, राग द्वेष यानी कषाय भी आएगी और मोह यानी मिथ्यात्व भी आएगा। और अब टीका पढ़ते हैं इसमें। कर्मणो ग्रहणम योग निमित्तम योग हेतुकम, कर्मों का जो ग्रहण होता है वो योग निमित्तक होता है, योग के हेतु से होता है। और योग प्रकृति बंधम प्रदेश बंधन च करोति, योग प्रकृति बंध और प्रदेश बंध कर देता है। प्रकृति बंध का अर्थ क्या है कि वो योग कर्म परमाणुओं को ज्ञानावरण आदि में विभाजित कर देगा, और प्रदेश बंध यानी परमाणुओं का विभाजन भी कर देगा कि ज्ञानावरण को इतने परमाणु, सातावेदनी को इतने परमाणु और कर्मों को इतने परमाणु, बंटवारा कर देगा योग। अतः को योग इत्याशंकाया मह। अब योग क्या वस्तु है, ऐसी आशंका होने पर आचार्य कहते हैं योगश्च मनो वचन कायेभ्य संभूतः, प्रदेश मन प्रदेश परिस्पंदो, वाक प्रदेश परिस्पंदः, काय प्रदेश परिस्पंदः, मनो वाक काय कर्म योग इति वचनात्। योग जो है वो मन वचन काय से उत्पन्न होता है, मन संबंधी प्रदेश परिस्पंद को, वचन संबंधी प्रदेश परिस्पंद को, काय संबंधी प्रदेश परिस्पंद को योग कहते हैं, मनो वाक काय कर्म को योग कहते हैं इति वचनात्, ऐसा शास्त्र का वचन है। भाव निमित्त तो भाव हेतु को बंध, भाव बंध कौन सा होता है, ये तो द्रव्य बंद हो गया समझ लो आप, है ना? तो भाव बंद कौन सा होता है? भाव निमित्त तो भाव हेतु को बंध संश्लेष, वो दूध पानी के समान घुल मिल जाना, संश्लेष, संक्लेश नहीं संश्लेष। वो क्या है संश्लेष? स्थित अनुभाग रूप, स्थिति और अनुभाग रूप है वो। स्थित अनुभाग कषायत इति वचनात्, स्थिति और अनुभाग कषाय से होते हैं ऐसे वचन है। अतः को भाव, अब यहाँ पर कषाय से होते हैं एक सूल कथन है, लेकिन होते भाव से हैं क्योंकि भाव निमित्तक बंध है वो स्थिति और अनुभाग, तो उसमें कषाय अंत में है, इसलिए उसको अंत में, जो अंत में आया है उसको ले लिया, अंत दीपक हो गया वो। लेकिन इसका अर्थ नहीं, ये नहीं है कि उसके पहले वालों का निषेध हो गया, केवल कषाय से ही बंद हो रहा है, ऐसा अर्थ नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर आगे की पंक्ति में आचार्य कह रहे हैं अतः को भाव इति प्रश्न, अब भाव कौन सा है ऐसा प्रश्न करने पर, भावो रति राग द्वेष मोह युक्तो, भाव में क्या लेंगे? रति यानी प्रीति, राग द्वेष। अब राग और प्रीति में रति में क्या अंतर है? तो एक माँ के दो पुत्र हैं, राग दोनों से है, प्रीति एक से है, ये उदाहरण है। तो रति राग द्वेष
फिर मोह, मोह का अर्थ मिथ्यात्व है। युक्त जो भाव होता है वो स्थिति और अनुभाग बंध का कारण होता है, और वो उसको दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, मिथ्यात्वा संयम कषाया इत्यर्थ इति। उसको दूसरे शब्दों में आप मिथ्यात्व असंयम और कषाय बोल सकते हो, ये स्थिति अनुभाग बंध का कारण है, साफ लिखा है। अब क्या करोगे बोलो, अब तो मिथ्यात्व खारिज नहीं हो सकता ना, अविरति खारिज नहीं हो सकती। केवल कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध होता है, उसका इस पंक्ति से निराकरण होता है, देख लीजिए आप। और इसका कोई दूसरा अर्थ हो तो फिर हम उत्सुक हैं जानने के लिए। जो अर्थ यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है वो हमने आपके सामने रख दिया, अगर कोई और हो तो हम प्रतीक्षा करेंगे। अब पंचास्तिकाएँ देख लें, पंचास्तिकाय में गाथा ढूंढनी होगी, पीछे सूची है क्या? सेम गाथा है, योग निमित्तम गरणम। एक सौ अड़तालीस विघात है, यहां तो प्रकृतियों के नाम तक गिनाए हैं, अब देख लेते हैं। अपन बहिरंग आंतरंग बंध कारणाख्यान में तत्, ये 148वीं गाथा में जो व्याख्यान है वो बहिरंग और अंतरंग बंध के कारणों का व्याख्यान, बंध के कारण कौन से होते हैं, बहिरंग कारण कौन से होते हैं, अंतरंग कारण कौन से होते हैं, उनका कथन है। जोग निमित्तम गहनम, जोगो मणवैण काय संभूदो भाव निमित्तो बंधु भावो हृदिराग दोष मोह जुदो। अमृतचंद्राचार्य की टीका के अंतिम पंक्ति में लिखा, तदत्र पुद्गलानाम ग्रहण हेतुत्वात् बहिरंग कारण योग। तो इसलिए यहाँ पर पुद्गलों के आश्रय में हेतु होने के कारण बहिरंग कारण योग है। फिर विशिष्ट शक्ति स्थिति हेतुत्वात् अंतरंग कारणम जीव भाव एवेति। विशिष्ट शक्ति और स्थिति में हेतुभूत, शक्ति यानी अनुभाग और स्थिति यानी स्थिति, इन दो का कारण होने से अंतरंग कारणम जीव भावित, जीव का भाव ही है। तो अब इसको यहाँ पर जयसेन आचार्य महाराज नीचे संस्कृत तात्पर्य वृत्ति में कहते हैं, अथ बहिरंग अंतरंग बंध कारण उपदिशति। यहाँ पर अब बहिरंग और अंतरंग बंध के कारणों का उपदेश करते हैं। योग निमित्तेन ग्रहण कर्म पुद्गलादानम भवति, योग के निमित्त से ग्रहण होता है, कर्म पुद्गलों का आदान होता है। योग इति को अर्थ, योग इसका क्या अर्थ है,
बोले योग जोगो मन वहन काय संबुध, योगो मनो वचन काय संबुध, निःक्रिय निर्विकार चित ज्योति परिणामाद भिन्नो मनो वचन काय वर्गणालंबन रूपो व्यापार आत्म प्रदेश परिस्पंद लक्षणों वीर्यांतराय क्षोपशम जनित कर्मादान हेतुभूतो योग। योग जो होता है वो क्रिया रहित चैतन्य ज्योति स्वरूप परिणाम वाले जो आत्मा है उससे भिन्न, जो अभी संसार अवस्था में अपने पास मन वचन और काय है और इनसे संबंध रखने वाली वर्गणाएँ हैं, उन वर्गणाओं के आलंबन रूप जो चेष्टा होती है आत्म प्रदेशों में, जो स्पंदन उत्पन्न हो जाता है और वो वीर्य अंतराय के क्षयोपशम से उत्पन्न होता है और कर्मों के आदान में हेतुभूत होता है, आश्रव में कारण होता है, उसका नाम योग है। भाव निमित्तो बंधो भाव निमित्तो भवति, भाव निमित्तक जो बंध होता है वो भाव निमित्तक होता है। सक वो क्या है, स्थिति अनुभाग बंध, वो स्थिति और अनुभाग बंध है, वो प्रकृति और प्रदेश बंध था योग से, और ये स्थिति और अनुभाग भाव कथ्य थे। भाव कहा जाता है भावो रति राग दोष मोह जुदो, भाव जो है वो रति राग द्वेष और मोह युक्त होता है। रागादि दोष रहित चैतन्य प्रकाश परिणति पृथक भूत, रागादिक दोषों से रहित जो चैतन्य प्रकाश की परिणति है उससे पृथक भूत। मिथ्यात्वादि कषायादि दर्शन चारित्र मोहनीय त्रीणी द्वादश भेदात। अब देखिए यहाँ पर वो गिनती भी बता रहे हैं कि मिथ्यात्वादिक कषायादिक दर्शन मोहनी और फिर चारित्र मोहनी है। कैसे निकलेगा अर्थ इसका, त्रीणी द्वादश भेदात भावो, बारह भेद कर रहे हैं उसके, मिथ्यात्व कषायादि दर्शन और चारित्र मोहनी है। यानी तीन भेद तो ऐसे हो जाएंगे, एक दर्शन मोहनी, फिर एक कषाय वेदनी और एक नो कषाय, ये तीन भेद हो गए और इनके सब मिला करके बारह भेद बन रहे हैं। देखो अभी आगे और क्या समझाते हैं उसको देख लेते हैं, ये अच्छी बात है इसको संख्या को निकालना। रति राग द्वेष मोह युक्त है, अत्र रति शब्द नहीं, यहाँ पर रति शब्द से क्या क्या लेना, बोले हास्य विना भावी नो कषाय अंतर्भूता रतिर्ग्राह्य, हास्य की अविनाभूत जो नो कषाय में अंतर्भूत रति है उसको ग्रहण करना। राग शब्द है ना, तो राग शब्द से क्या लेना, माया लोभ रूपो राग परिणाम है थी, माया और लोभ कषाय रूप जो राग परिणाम है उसको लेना। द्वेष शब्देन और द्वेष शब्द से क्या लेना, क्रोध मान अरति शोक भय जुगुप्सा रूपो द्वेष परिणाम, क्रोध मान अरति शोक भय और जुगुप्सा ये छः हो गए, छः प्रकार का द्वेष परिणाम ले लेना। मोह शब्देन दर्शन मोह गृह्यते, मोह शब्द से दर्शन मोह ग्रहण किया जाता है, तो अब कितना हो गया, राग से माया और लोभ हो गया और द्वेष के छह भेद बता दिए, क्रोध मान अरति शोक भय और जुगुप्सा, और फिर इधर रति में हास्य और रति इन दो को ले लिया, तो छः और चार नहीं, नहीं राग के जो भेद थे उसमें हास्य रति माया और लोभ ये चार भेद थे राग के, द्वेष के भेद जो थे क्रोध मान अरति शोक भय और जुगुप्सा ये छः थे, तो छः और चार
छः और चार दस हुए हैं, और बारह की गिनती जोड़ना है अपने को, तो ये दस हो गए, एक मिथ्यात्व और एक वेद, जो वेद उदय में होगा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, तो वेद भी तो राग उत्पन्न करता है ना, काम उत्पन्न करता है, तो ऐसे बारह भाव स्थिति और अनुभाग बंध के कारण है, इतना स्पष्ट वर्णन है। आ रहा है समझ में? मतलब ये गिनती आ रही पूरी बारह की, कि इन बारहों से स्थिति बंद, अनुभाग बंद होता है। मोह शब्देन दर्शन मोह गृह्यते इति, मोह शब्द से दर्शन मोह ग्रहण किया जाता है, यानी मिथ्यात्व ग्रहण किया जाता है ऐसा। अत्र यतः कारणात् कर्मादान रूपेण प्रकृति प्रदेश बंध हेतु ततः कारणात् बहिरंग निमित्तम योगः। अब जिस कारण से कर्मों के आगमन रूप प्रकृति और प्रदेश बंध में हेतु योग होता है, इसलिए वो बहिरंग कारण कहा, यानी आश्रव में प्रकृति और प्रदेश बंध आ गया और बंध में स्थिति और अनुभाग बंध आ रहे हैं। तो बंध में क्या लेना है? चिरकाल स्थायित्वेन स्थित अनुभाग बंध हेतुत्वात्, चिरकाल स्थायी रूप से स्थिति और अनुभाग बंध में हेतु होने से अभ्यंतर कारणम कषाय इति तात्पर्यम। अभ्यंतर कारण कषाय है, ये इसका तात्पर्य है। तो कषाय है इसका अर्थ सिर्फ क्रोधमान माया लोभ नहीं लेना है यहाँ पर, वो जो बारह की गिनती गिनकर बताई थी वो पूरी लेनी होगी। उनने साफ लिखा ना, संख्या लिखी कि नहीं बारह की? द्वादश भेदात। तो अब इससे ज्यादा खुलासा क्या चाहते हो आप? एकदम स्पष्ट वर्णन हो गया ना। तो इस प्रकार आज बंद का प्रकरण प्रारंभ करते समय अपन ने इतनी सारी बातें कर ली। अब आपको अगर पूरा इतिहास पता हो बंद के बारे में, कितने संवाद आदि विवाद आदि हुए हैं, तो फिर आज का ये व्याख्यान जो भी सुनेंगे वो उन धारणाओं पर पुनर्विचार कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी ओर से कुछ भी नहीं किया, केवल एक वेद शब्द को हमने वहाँ जोड़ा, क्योंकि 11 की संख्या आ रही थी अभी जो अपन गिन रहे थे, और उसमें 12वां जोड़ना ज़रूरी था। समझ में आ रहा है? और 12वां अपन किसको जोड़ते हैं? वेद के अलावा कुछ बचा ही नहीं था अपने पास, तो अनन्य शरण होकर अपन ने वेद को उसमें जोड़ा है 12 में। इस प्रकार ये प्रकृति और प्रदेश बंध तो मन वचन काय योग से होते हैं, और स्थिति और अनुभाग बंध इन 12 भावों से होता है। 12 भावों में एक मिथ्यात्व है, एक स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक, एक एक जीव में एक ही रहता है ना, तो एक वेद ले लेना, फिर क्रोध, मान, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये 6 हुए, वो 2 पहले से गिन चुके थे। फिर क्रोध, माया और लोभ, और हाँ सुरति, एकदम साफ 12 गिनती हो रही है। अब क्या करना है? अब क्रोध के फिर और 4 भेद करोगे तो और वो लंबा विस्तार हो जाएगा। अभी यहाँ पर 12 की गिनती ठीक पकड़ लो अच्छे से, है ना, क्योंकि क्रोध क्या है? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, तो वो अभी यहाँ पर विवक्षित नहीं है। यहाँ पर इन 12 से बंद होता है, अनादिकाल से हो रहा है, अनंत काल तक होता रहेगा अगर इस प्रक्रिया से बाहर नहीं आए तो। जय नम जय तो शासन।